मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया है। सीएम ने बजट की शुरुआत करते हुए कहा कि मुझे ऊंचाइयों पर देख कुछ लोग हैरान हैं, पर उन्होंने मेरे पैरों में छाले नहीं देखे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के 5 सालों में 18,787 करोड़ रुपए का ऋण लिया, जिसका 13,500 करोड़ का ब्याज देना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता संभालते ही होशियार हेल्पलाइन, गुड़िया हेल्पलाइन और शक्ति ऐप दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नशा मुक्ति कैंप खोले जाएंगे, वन विभाग पर लगाम लगाई जाएगी, पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, जिला प्रतिनिधियों का 8 से 15 हजार, जिला प्रतिनिधियों का 8 से 15 हजार मानदेय किया जाएगा, सदस्यों का 3 से 4 हजार, ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 किया जाएगा, प्रधान का मानदेय 4 से 5 हजार किया जाएगा, ब्लॉक का भी मानदेय बढ़ाया जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई प्रयोगशाला सुंदरनगर में खोली जाएगी, राज्य में विज्ञान ग्राम स्थापित होंगे, 12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों को विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा, सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर योजना शुरू की जाएगी, टॉप नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा, नगर पंचायत को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 100 करोड़ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में योजना चलाई जाएगी, नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, सोलन फेंसिंग के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया, 50% सब्सिडी की जाएगी, कंट्रोल स्टोरेज और स्टेट मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग शुरू किया जाएगा, एपीएल परिवारों को राशन पर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प रहेगा, सीएम जयराम ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने सब्सिडी छोड़ने की घोषणा की, गृहिणी सुविधा योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जो कि उज्ज्वला योजना में नहीं है, हर परिवार को रसोई गैस दी जाएगी जिसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है, पालमपुर और सिलाऊ में बागवानी के लिए 2 नए केंद्र बनाए जाएंगे, किसानों की आय दुगनी करने पर भी फोकस रहेगा, सिंचाई के लिए 111 लघु सिंचाई योजना के तहत 277 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया, कांगड़ा और नदौन में 50 करोड़ की नई योजना, जल से कृषि पर बल योजना लॉन्च, इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम का प्रसार किया जाएगा, सिंचाई के लिए बिजली की यूनिट के दाम 1 रुपए से घटाकर 73 पैसे किए गए, किसानों को लोन देने के लिए बैंक मेले लगाए जाएंगे, हर जिले में तकनीकी सुधार पर बल दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम योजना शुरू की जाएगी, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम में पहले सब्सिडी 50% थी, उसे अब 75% कर दिया गया है, बागवानी के लिए पावर ट्रेल स्कीम, इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।